हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं दीदी के घर पहुंच गई हूं और आज दीदी बना रही है छोले भटूरे। मैं कल कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि कल इतना ज़्यादा थक गई थी और आज कल होके मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग। इसका फेवरेट डिश बना रही हूँ आज इसका, तो छोले भटूरे मुझे बहुत, बहुत पसंद है पसंद और दीदी अभी बना रही है और बहुत कुछ दीदी को आता है तो वो सब भी बनाएगी। तो बस आप लोग को मैं दिखाऊंगी, देखते रहिए हाँ और इंजॉय करते रहिए। और बाकी बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ छोला भटूरा सब। तो यहाँ पे देखिए भटूरा का तैयारी हो रहा है और इधर देखिए यहाँ पे छोला तैयार है हमारा, जो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए छोला, और छोला एक नंबर छोला बना है। छोला मैं टेस्ट भी की हूँ, मजा आ गया खा के। तो ये देखिए छोला, तो मुंह में पानी आ रहा होगा सबका। तो घर पे बनाइए और खाइए, और नहीं तो नहीं बनाना तो आ जाइए, यहाँ पे मिल जाएगा छोला बहुत है। यहाँ पे भटूरा बन रहा है, मिल गई है और देखिए कितना अच्छा फूलेगा ये। देखिए भटूरा गया कढ़ाई में और ये देखिए अब गुब्बारे की तरह ये फूल के निकलेगा ये भटूरा हमारा। ये देखिए फूलना स्टार्ट हो गया है और ये फूल गया है हमारा गुब्बारे की तरह भटूरा। वाओ एक नंबर। थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया है, वो बेलने पे डिपेंड करता है, पर ठीक है, पर फूल तो गया है। हम लोग घर में जनरली बनाते नहीं है ना, इसलिए गोल गोल नहीं बन पाया, पर स्वाद एक नंबर लगेगा दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा फूला, कितना अच्छा भटूरा हमारा बन के तैयार हो गया है। दोस्तों ये देखिए कैसा हुआ है मेरा, तो मेरा ये डाला हुआ भटूरा है जो कि फूलने को तैयार नहीं है, फूट गया है। ये देखिए दोस्तों नीफा का भटूरा बनाया हुआ, और ये देखिए भटूरा। और चलो निकालते हैं खाना। छोले भटूरे हमारे तैयार है, तो हम लोग खा रहे हैं भटूरा छोला। दीदी के यहाँ आए हैं और खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं।